Hello everyone, welcome back to the channel. I am Ayushi Negi. The topic we're going to cover today is economy and its central problems. देखो, अपनी previous video में economy के बारे में already discussion हो चुका है, but that was just an introduction. ठीक है, एक introduction था, briefly चीज़ें हमने समझी थी. आज हम economy को समझेंगे in detail. And while understanding it in detail, we will realize that there are certain issues which every economy face. Now mark this line. ये जो पूरी line बोली है ना, certain issues. या सर्टेन प्रॉब्लम्स विच एवरी इकोनॉमी फेस. यहाँ से दो चीज़ें निकल के आएंगी. पहली है सेंट्रल प्रॉब्लम्स या सर्टेन प्रॉब्लम्स, दूसरा है एवरी इकोनॉमी. हमें पता होना चाहिए कि हम किस प्रॉब्लम के बारे में बात कर रहे हैं. इज इट इन्फ्लेशन, महंगाई? इज इट डिफ्लेशन, मंदी? रिसेशन, डिप्रेशन, करप्शन, इकोनॉमिक ग्रोथ, जेंडर इनइक्वालिटी या जेंडर इक्वालिटी, अनएम्प्लॉयमेंट? किस चीज़ के बारे में हम बात कर रहे हैं? तो पहली चीज़, हम इन सारी प्रॉब्लम्स के बारे में बात नहीं कर रहे. जिन प्रॉब्लम्स और इश्यूज की आज हम बात करेंगे वो कुछ कॉमन प्रॉब्लम है या बेसिक प्रॉब्लम है विच इज़ यूनिवर्सल. दैट मीन्स सारी इकोनॉमी उसे फेस कर रही है. दूसरी चीज़ क्या समझनी है? सारी इकोनॉमी, दैट मीन्स टाइप्स ऑफ इकोनॉमी. कितने टाइप की इकोनॉमी है जहाँ पर ये कॉमन प्रॉब्लम आ रही है, चाहे वो डेवलप्ड है, अंडर डेवलप्ड है. सो आज हम देखेंगे प्रॉब्लम्स के बारे में विच इज़ कॉमन, दूसरा हम देखेंगे टाइप्स ऑफ इकोनॉमी. आज की वीडियो में काफ़ी कुछ होने वाला है, बट बिफोर वी स्टार्ट द वीडियो, ऑल दोज हु आर न्यू टू द चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब इट एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल बटन ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे, और अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक भी कर देना. ओके, सो नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो. तो सबसे पहली चीज़ जो समझनी है, द इकोनॉमी इन विच वी आर लिविंग इज अ कॉम्प्लेक्स इकोनॉमी. जहाँ हम लोग रह रहे हैं वो एक कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है, कॉम्प्लेक्स इकोनॉमी है. इसको समझने के लिए सबसे पहले बेसिक में चलते हैं और समझते हैं व्हाट इज अ सिंपल इकोनॉमी. इसके लिए जस्ट इमेजिन अ सोसाइटी. एक सोसाइटी इमेजिन कर लो जहाँ पे लोग रह रहे हैं, वे पीपल आर लिविंग. एंड इफ पीपल आर लिविंग, दैट मीन्स अपने सर्वाइवल के लिए उन्हें क्या चाहिए होगा? दे नीड गुड एंड सर्विसेज, राइट? दे नीड फूड, दे नीड शेल्टर, दे नीड क्लोथ. उन्हें बेसिक ट्रांसपोर्ट सर्विसेज भी चाहिए होंगी, रोड्स की, रेलवेज की, और जितनी भी सर्विसेज होती है, डॉक्टर, लॉयर, टीचर. इन फैक्ट द लिस्ट इज एंडलेस. ठीक है, इतनी सारी चीज़ें उन्हें चाहिए अपने सर्वाइवल के लिए. क्या लगता है, ऐसे ही मिल जाएगी, फ्री में मिल जाएगी? अगर डॉक्टर की सर्विसेज चाहिए तो क्या लगता है, आप उनको पे नहीं करोगे? ऑब्वियसली यू गोना पे फॉर एवरी सर्विस, यू गोना पे फॉर वॉट एवर गुड्स यू वॉन्ट टू कंज्यूम. तो कहाँ से पेमेंट करोगे? आप पेमेंट करोगे जो इनकम आप अर्न कर रहे हो. और इनकम कहाँ से अर्न करोगे? बहुत सारी चीज़ें हो सकती है. इट माइट बी दैट यू हैव सर्टन काइंड ऑफ स्किल्स जिसे यूज़ करके आप इनकम अर्न कर रहे हो. यू माइट हैव सम रिसोर्सेज जिसकी मदद से आप इनकम अर्न कर रहे हो. लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ अ फार्मर. एक फार्मर है, उसके पास अपनी लैंड है, अपने गुड्स हैं, क्रॉप्स है, ट्रैक्टर है, फर्टिलाइजर है, इक्विपमेंट है. ठीक है, ये गुड्स उसके पास पहले से ही है. नाउ व्हाट ही इज डूइंग, क्या इतनी चीज़ें इनफ है उसके सर्वाइवल के लिए? नहीं. हो सकता है उसे अपने बच्चों को, हो क्या सकता है, ऑब्वियसली उनके अगर बच्चे होंगे, ही वॉन्ट टू गिव देम एजुकेशन, उसके लिए खर्चा होगा. मेडिकल का खर्चा भी हो सकता है, वकील का खर्चा भी हो सकता है, उन्हें बाकी चीज़ें भी चाहिए हो सकती हैं. सो हाउ ही गोना डू दैट? जो भी रिसोर्सेज उसके पास है, द लैंड विच ही हैज, द क्रॉप विच ही इज़ ग्रोइंग, उसका प्रोडक्शन करके वो सप्लायर को देगा. मार्केट तक उसकी चीज़ जाएगी, जिसके बदले पे उसे क्या मिलेगी? इनकम. एंड फ्रॉम दैट इनकम ही गना परचेज ऑल अदर थिंग्स, राइट? सिमिलरली एग्जाम्पल ले लो टीचर स्टूडेंट का. स्टूडेंट इज डिपेंडेंट ऑन टीचर फॉर एजुकेशन, फॉर नॉलेज. सिमिलरली टीचर इज डिपेंडेंट ऑन अदर थिंग्स. हो सकता है टीचर है लाइक मी, मेरे को कुक करना नहीं आता, आई वॉन्ट हेल्पर. सो मेरी जो हेल्पर होगी, मेरी कुक होगी, आई एम डिपेंडेंट ऑन दैट. जो भी वो मुझे कुक करके देगी, फॉर दैट आई हैव टू पे हर, राइट? सिमिलरली मेरे को डॉक्टर की नीड भी हो सकती है, मेरे को बाकी ग्रॉसरी स्टोर भी जाना हो सकता है. सो वॉट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट एवरी इंडिविजुअल इन द इकोनॉमी इज डिपेंडेंट ऑन वन अनदर. यू कांट से दैट ओके मुकेश अंबानी है तो उसे किसी की जरूरत नहीं होगी. मुकेश अंबानी नीड पार्टनर्स, मुकेश अंबानी नीड कंज्यूमर्स, ही इज ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन अदर्स. सो एवरी वन इन द इकोनॉमी इज डिपेंडेंट ऑन ईच अदर. सेकेंड थिंग हम इससे क्या समझते हैं, दैट नो इंडिविजुअल इज केपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग ऑल द गुड्स दैट ही वॉन्ट्स. ऐसा नहीं है कि मैं टीचर हूँ तो मेरे को किसी की जरूरत ही नहीं होगी. इफ आई नीड डॉक्टर, दैट मीन्स आई नीड डॉक्टर, आई कांट क्योर माई सेल्फ. और जो भी सर्विसेज वो देगा उसके अगेंस्ट पे मुझे उसको
उसकी इनकम देनी पड़ेगी, राइट? सो यही इकोनॉमी है, यही सोसाइटी है. इकोनॉमी मीन्स इट इज़ अ सिस्टम विच प्रोवाइड्स पीपल वर्क सो दैट दे कैन अर्न देयर लिविंग एंड कैन परचेज ऑल द गुड्स दैट दे वॉन्ट, राइट? अब मैंने क्या बोला था, हमने सिंपल इकोनॉमी समझी. सो सिंपल इकोनॉमी और कॉम्प्लेक्स इकोनॉमी में सिर्फ थोड़ा सा डिफरेंस है. वो डिफरेंस किसका आ जाता है? डिपेंडेंस का. अगर कोई इकोनॉमी में लोग ज़्यादा डिपेंडेंट है, म्यूचुअल डिपेंडेंस बहुत ज़्यादा है, एक्सचेंज बहुत ज़्यादा हो रहा है, दैट मीन्स वो एक कॉम्प्लेक्स इकोनॉमी है. क्यों? क्योंकि वहाँ पे लोगों की वॉन्ट ज़्यादा है, लोगों को बहुत सारी चीज़ें चाहिए, और यही कॉम्प्लेक्स इकोनॉमी है, यही रियलिटी है. अपनी इकोनॉमी देख लो, हम लोग कितना ज़्यादा डिपेंडेंट हैं एक दूसरे पे, है ना? वी आर डिपेंडेंट, वी आर एक्सचेंजिंग गुड्स, आर वॉन्ट्स आर वेरी मच एनॉर्मस, एंड बिकॉज ऑफ दैट इनकम लेवल भी हम लोगों का ज़्यादा होता है. अगर सिंपल इकोनॉमी में चले जाओ तो यहाँ पे भी डिपेंडेंस होगी, लेकिन द डिग्री ऑफ म्यूचुअल डिपेंडेंस इज लिमिटेड. हेयर द एक्सचेंज इज लिमिटेड बिकॉज द वॉन्ट्स ऑफ पीपल आर लिमिटेड. ये एक सिंपल इकोनॉमी है, राइट? हमने सारी चीज़ें समझ ली. अब इससे हमें एक चीज़ और कंक्लूड करनी है. वो क्या? दैट फ्रॉम ऑल दिस वी हैव फिगर आउट वन थिंग, दैट देर इज इम्बैलेंस बिटवीन ह्यूमन वॉन्ट्स एंड रिसोर्सेज. कुछ बैलेंस नहीं है. हमारी इच्छाएं तो बहुत ज़्यादा है, हमें बहुत कुछ चाहिए, है ना? लेकिन जो रिसोर्सेज है उन्हें फुलफिल करने के लिए, दैट आर लिमिटेड. एंड इससे पता है क्या हो रहा है? इससे एक प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है. वो प्रॉब्लम क्या है? द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, जिसे हम क्या बोलते हैं? इकोनॉमिक प्रॉब्लम. सपोज करो आपने बहुत अच्छा कुछ कर दिया, एंड योर पेरेंट्स आर वेरी हैप्पी, एंड दे हैव गिवन यू 50,000 रुपीज़. बहुत ज़्यादा अमाउंट है, बट एज्यूम कर लेते हैं क्या जा रहा है. जैसे ही आपके पास 50,000 आए, क्या लगता है? आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस खुल जाएंगे. आप सोचोगे यार एक काम करता हूँ, फ़ोन ख़रीद लेता हूँ, या आप सोचोगे कि मैं ट्रैवल करता हूँ, या ट्रैकिंग में जाता हूँ, सेविंग्स करता हूँ, कोई गैजेट खरीदता हूँ. सो देर आर मेनी ऑप्शंस विच यू हैव. लेकिन दिक्कत क्या है यहाँ पे? यहाँ पे दिक्कत ये है कि जो रिसोर्स है आपके पास, क्या है रिसोर्स? मनी. दैट इज़ लिमिटेड. वो सिर्फ 50,000 है. अब आपको चूज़ करना पड़ेगा कि आपको क्या क्या चीज़ें लेनी है और क्या क्या चीज़ें छोड़नी है. बहुत लोग होंगे जो सोचेंगे मैं एक अच्छा सा फ़ोन ले लेता हूँ, बाकी मुझे कुछ नहीं करना. बहुत होंगे जो सोचेंगे यार थोड़ा सा फ़ोन ले लेता हूँ, कुछ सेव कर लेता हूँ. सो इट टोटली डिपेंड्स ऑन इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल. और इसी को हम इंडिविजुअल बोलते हैं, जो मैं तुम्हें बोल रही हूँ ना इंडिविजुअल, उसका मतलब क्या है? इंडिविजुअल मतलब एनीथिंग विच मेक्स डिसीजन. That means decision making unit. Individual का मतलब ये मत समझ लेना एक इंसान. Individual can be a person, individual can be a group, it can be an organization also. बस simple क्या है? जो decision ले रही है, जो decide कर रही है, ठीक है? So because of the scarcity of resources, हमारे पास ये problem create हो जाती है, जो है problem of choice. And ये problem हर economy में है. तुम अमेरिका चले जाओ, यूएस चले जाओ, फ्रांस चले जाओ, इंडिया चले जाओ, रिसोर्सेज तो लिमिटेड ही है ना. लैंड की अगर हम बात करते हैं, लैंड की वैल्यू क्यों है ज़्यादा? बिकॉज इट इज़ लिमिटेड, इट इज़ स्केर्स. तुम कहीं भी चले जाओ ऐसा तो होगा नहीं वहाँ लैंड बिल्कुल ही तुमको मिल रही है. वहाँ पे भी लैंड की स्केर्सिटी है, यहाँ पे भी लैंड की स्केर्सिटी है. बिकॉज ऑफ विच दिस इज़ द कॉमन और बेसिक प्रॉब्लम विच इज़ यूनिवर्सल. तो अभी हमने क्या देखा? इकोनॉमिक प्रॉब्लम को समझा. अब हम समझेंगे एक और प्रॉब्लम जो इस इकोनॉमिक प्रॉब्लम की वजह से क्रिएट हो रही है. तो वो प्रॉब्लम क्या क्रिएट हो रही है? सेंट्रल प्रॉब्लम्स. अब आई एम अपने मेन टॉपिक पे. सेंट्रल प्रॉब्लम्स मतलब, एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट रिसोर्सेज आर लिमिटेड, तो सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह क्या बन जाता है? दैट हाउ वी गोना यूज दिस रिसोर्सेज, हाउ वी गोना यूज दिस 50,000 रुपीज, सो दैट मैक्सिमम से मैक्सिमम चीज हम यूटिलाइज कर पाए. और यही इकोनॉमी में होता है. जब गवर्नमेंट बजट बनता है तो उसमें गवर्नमेंट को बहुत ध्यान से सोचना पड़ता है कि कैसे कैसे चीज़ें एलोकेट होंगी. क्यों सोचना पड़ता है? Why? Because उसके पास जो funds हैं, उसके पास जो resources हैं, उसके पास जो labors हैं, वो limited हैं. और कहीं ऐसा ना हो जाए कि हम ऐसी जगह allocate कर दें जो return में कुछ भी ना दें और हमारा main element छूट जाए. So central problem means how we gonna utilize our resources properly. इसके अंडर तीन problems आती है. पहली problem है what to produce and in what quantity. क्या produce करना चाहिए और किस quantity में. दूसरी प्रॉब्लम आती है हाउ टू प्रोड्यूस, कैसा प्रोड्यूस करना है, व्हाट आर द टेक्निक्स दैट वी गोना यूज. और थर्ड प्रॉब्लम आती है फॉर होम टू प्रोड्यूस,
किसके किसको हम किसके लिए हम प्रोड्यूस कर रहे हैं. सो एक एक करके हम सारी चीज़ें देखेंगे. उससे पहले हम जो हमने पहला इकोनॉमिक प्रॉब्लम समझा था ना, उसके कॉजेज देख लेते हैं कि जो ये प्रॉब्लम ऑफ चॉइस आ रही है उसके क्या रीजंस हैं या क्या कॉजेज हैं. सबसे पहला कॉज है जो हमारा प्रॉब्लम ऑफ चॉइस आती है वो है ह्यूमन वॉन्ट्स आर अनलिमिटेड. कोई कंट्रोल ही नहीं हमारी लिस्ट पे. अगर हमको मिल जाए ना, अगर हमारे पेरेंट्स बोल देना कि बेटा तुमको जो चाहिए तुम लोग करो, हम अफोर्ड करेंगे, सो हमारी गिनती खत्म नहीं होगी. हमें क्लोज भी चाहिए होंगे, हमें शॉपिंग भी करनी होगी, हमें घूमना भी होगा, हमें फ़ोन भी चाहिए, बाइक मोटर पता नहीं क्या क्या चाहिए. सो आर वॉन्ट्स आर अनलिमिटेड. वेयर एज दूसरी पॉइंट क्या है, रिसोर्सेज आर लिमिटेड. इतने प्यारे तो है नहीं माँ बाप, लगा ही देंगे रिस्ट्रिक्शंस कभी ना कभी, है ना. तीसरी चीज़ क्या है, ऑल्टरनेटिव यूजेज ऑफ रिसोर्सेज. दैट मीन्स पहले तो रिसोर्स भैया कम है, दूसरी चीज़ उसके यूजेज भी बहुत ज़्यादा है. फॉर एग्जाम्पल लेट्स टेक द एग्जाम्पल ऑफ स्टील. स्टील है, लिमिटेड क्वान्टिटी में है, उसके बाद क्या हो गया, उसके यूजेस भी बहुत हो गए. आप स्टील कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हो, कंस्ट्रक्शन के लिए यूज़ कर सकते हो, ब्रिजेस बनाने के लिए यूज़ कर सकते हो, यूटेंसिल्स में यूज़ होते हैं. अब आपको चूज़ करना पड़ेगा ना कि भाई कहाँ लगाएं इसको हम, क्योंकि लिमिटेड है. कहीं ऐसा ना हो सब कुछ बर्तन बनाने में लगा दिया, कंस्ट्रक्शन के लिए कुछ बचा ही नहीं. ये छोटा सा एग्जाम्पल है. इस तरीके से बहुत सारे रिसोर्सेज होते हैं जो हमें देखने पड़ते हैं. और इन इकोनॉमिक प्रॉब्लम की वजह से, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस की वजह से हमारे पास क्या आई है, सेंट्रल प्रॉब्लम्स आई है. सेंट्रल प्रॉब्लम मीन्स व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फ्रॉम होम टू प्रोड्यूस. व्हाट टू प्रोड्यूस का मतलब क्या प्रोड्यूस करें, कहीं ऐसा ना हो जाए हम ऐसे रिसोर्सेज लगा दें अपने जो इम्पॉर्टेंट ही नहीं है. और कितनी क्वांटिटी में प्रोड्यूस करें, कहीं पता लग रहा है कि इतना कम प्रोड्यूस कर दिया कि सप्लाई नहीं हो पा रहा है, लोगों तक वो पहुँच ही नहीं पा रहा है, शॉर्टेज आ गई है, या इतना ज़्यादा प्रोड्यूस कर दिया कि लोगों को चाहिए ही नहीं, सरप्लस बच रहा है, वेस्ट हो रहा है. तो जो वेस्ट हो रहा है उससे बड़े तो रिसोर्स कहीं और लगाते. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट और ट्रिकी चीज़ होती है, ये गेस कर पाना, ये डिसाइड कर पाना कि क्या प्रोड्यूस करें और कितना प्रोड्यूस करें. दूसरी चीज़, हाउ टू प्रोड्यूस, क्या टेक्निक्स लगानी चाहिए. कैपिटल इंटेंसिव होना चाहिए कि लेबर इंटेंसिव होना चाहिए. लेबर इंटेंसिव मीन्स कोई चीज़ प्रोड्यूस करने के लिए आप लेबर का इस्तेमाल ज़्यादा कर रहे हो, मशीन्स इक्विपमेंट्स का उतना इस्तेमाल नहीं कर रहे हो. कैपिटल इंटेंसिव मीन्स आप कैपिटल्स का इस्तेमाल ज़्यादा कर रहे हो, लेबर का इस्तेमाल उतना नहीं कर रहे हो. सो इट टोटली डिपेंड्स ऑन द इकोनॉमी, ऑन द कंट्री. अगर कोई कंट्री में पॉपुलेशन ज़्यादा है तो ऑब्वियसली आपको क्या करना पड़ेगा, लेबर इंटेंसिव होना पड़ेगा. अगर आप लेबर इंटेंसिव नहीं होंगे तो लोग बेरोजगार रह जाएंगे, अनएम्प्लॉयमेंट हो जाएगी. सो दोनों का मिक्स करके चलो. ज़रूरी नहीं है कि आपको लेबर इंटेंसिव होना, आपको कैपिटल इंटेंसिव होना, आप मिक्स भी हो सकते हो. ज़्यादा कैपिटल का रेशियो रख लो, थोड़ा आप कैपिटल लगा लो. सो दूसरा क्वेश्चन आ जाता है, हाउ टू प्रोड्यूस, व्हाट इज़ द टेक्निक दैट वी गोना यूज़. एंड थर्ड इज़ फॉर होम टू प्रोड्यूस. आप किस सेक्टर को केटर कर रहे हो, क्या आप मिडिलमैन को केटर कर रहे हो, क्या आप फार्मर एग्रीकल्चर सेक्टर को केटर कर रहे हो, क्या आप रिचर सेक्शन को केटर कर रहे हो, आप प्रोडक्शन कर किसके ले रहे हो, नीड किसको है आपकी ज़्यादा. अब आप कहीं पता लग रहा है प्रॉफिट कमाने के लिए उनको दे रहे हो जिनके पास ऑलरेडी चीज़ें ज़्यादा है. सो दैट इज़ वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज. सो ये सारे क्वेश्चंस हैं जो हमने देखे सेंट्रल प्रॉब्लम में. और अब आपको खुद लगता है ना कि जो ये इन्फ्लेशन है, डिफ्लेशन है, रिसेशंस है, ये सारी प्रॉब्लम्स क्यों क्रिएट होती है, क्योंकि हमारे पास इकोनॉमिक प्रॉब्लम है और हमारे पास सेंट्रल प्रॉब्लम्स है जिनकी वजह से वी लैंड अप हैविंग दीज बिग इश्यूज, राइट. अब अपने टॉपिक के लास्ट पार्ट में आ जाते हैं जो कि है टाइप्स ऑफ इकोनॉमी. सो टाइप्स ऑफ इकोनॉमी में हमारे पास तीन टाइप की इकोनॉमी आती है. पहली है सोशलिस्ट इकोनॉमी, इसको बहुत नाम से जाना जाता है और अभी सब तुम सुन लो क्योंकि अगर तुम बुक रेफर करोगे तो सब में अपने अपने नाम दिए. सोशलिस्ट इकोनॉमी मीन्स सेंट्रली कंट्रोल्ड इकोनॉमी. सेंटर ने उसे कंट्रोल करा है, गवर्नमेंट ने उसे कंट्रोल करा है. दूसरा नाम इसका होता है कमांड इकोनॉमी. तीसरा नाम इसका होता है कंट्रोल्ड इकोनॉमी. तो चाहे सेंट्रली कंट्रोल्ड इकोनॉमी बोलो, कमांड इकोनॉमी बोलो, कंट्रोल्ड इकोनॉमी बोलो या सोशलिस्ट इकोनॉमी बोलो, दे ऑल मीन सेम. दूसरी टाइप की जो इकोनॉमी होती है दैट इज़ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी. कैपिटलिस्ट मीन्स फ्री मार्केट इकोनॉमी. कोई गवर्नमेंट वर्नमेंट का कंट्रोल नहीं है यहाँ पे, फ्रीली वो मार्केट रन कर रहा है. प्राइवेट लोग उसको आराम से, प्राइवेट लोग क्या, इट इज़ रनिंग फ्रीली, तो वो क्या, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी. थर्ड है मिक्स्ड इकोनॉमी. टर्म से ही पता लग रहा है, मिक्स्ड मतलब इसमें सोशलिस्ट के भी फीचर होंगे, इसमें कैपिटलिस्ट के भी फीचर होंगे. एक एक करके इन इकोनॉमी को समझते हैं. सबसे पहले है
सोशलिस्ट इकोनॉमी. सो ये इकोनॉमी ऐसी है जो भी हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है, प्रोडक्शन की, कंजम्पशन की, इन्वेस्टमेंट की, एक्सचेंज की, उन सबको कौन कंट्रोल कर रहा है? गवर्नमेंट कंट्रोल कर रही है. गवर्नमेंट के पास उसकी ओनरशिप है. एंड वाई गवर्नमेंट इज़ कंट्रोलिंग इट? बिकॉज उनका अपना एक मोटिव है दैट दे वॉन्ट सोशल वेलफेयर. नो दिस थिंग कैन बी वेरी डिबेटेबल कि मैम अगर सरकार कोई चीज़ चला ली है उसका मतलब ये थोड़ी है कि वो लोगों के हित के लिए ही करेगी, वो तो बहुत सारी चीज़ें और कर रही है. सो वहाँ पर हम नहीं जा रहे हैं. हम सिर्फ जेन्युइन चीज़ समझ रहे हैं कि अगर सरकार कोई चीज़ चला रही है तो उसका मोटिव प्रॉफिट अर्न करना नहीं होगा, उसका मोटिव होगा कि वो लोगों के लिए कर रही है फॉर द सोशल वेलफेयर. यहाँ पे भी हम यही लेके चलेंगे. दूसरा पॉइंट इसमें क्या आ जाता है कि अगर गवर्नमेंट इसे कंट्रोल कर रही है दैट मीन्स कौन सा सेक्टर डोमिनेट करेगा इस इकोनॉमी को? पब्लिक सेक्टर इसको डोमिनेट करेगा. वेयर एज जो आपकी सेकेंड इकोनॉमी है दैट इज़ द कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, इसमें इसका बिल्कुल उल्टा हो जाएगा. यहाँ पे कोई गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं है किसी भी इकोनॉमिक एक्टिविटी में. यहाँ मार्केट फ्रीली रन कर रहा है. आप सोचो कि मैम फ्रीली कैसे रन कर सकता है मार्केट? फ्रीली रन करने का मतलब है यहाँ मार्केट फोर्सेज वर्क करेंगे. मार्केट फोर्सेज मतलब यहाँ पे सिर्फ दो ही लोग काम करने वाले हैं, प्रोड्यूसर्स और कंज्यूमर्स. ये इकोनॉमी बोलती है कि भैया गवर्नमेंट आप हमसे दूर रहे, हम अपना काम खुद कर लेंगे. प्रोड्यूसर वही प्रोड्यूस करेगा जो कंज्यूमर को चाहिए होगा. सो कंज्यूमर ने डिमांड करा, प्रोड्यूसर ने प्रोड्यूस करा, दोनों लोग एक्ट करे, फोर्स एक्ट हुआ और चीज़ें बढ़िया चल रही हैं. सो दिस इज़ व्हाट इज़ मार्केट. इट इज़ रनिंग फ्रीली, इट इज़ रनिंग विद द हेल्प ऑफ फोर्सेस. और फोर्सेस हैं क्या? डिमांड और सप्लाई का. जितनी डिमांड उतनी सप्लाई. सो यहाँ पे मार्केट क्यों ऐसे रन कर रहा है? क्योंकि यहाँ कोई सोशल मोटिव नहीं है, सोशल वेलफेयर नहीं है. यहाँ जो भी चीज़ होगी वो प्रॉफिट को देखते हुए होगी. प्रोड्यूसर क्यों प्रोड्यूस करना चाहेगा? इसलिए तो प्रोड्यूस करना चाहेगा उसे प्रॉफिट अर्न हो रहा है. और यहाँ पे तो सरकार भी नहीं है जो आके उसको टोके या रेगुलेट करे. सो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का मेन मोटिव होता है प्रॉफिट अर्न करना. सोशलिस्ट इकोनॉमी का मेन मोटिव होता है वेलफेयर अर्न करना. और कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में कौन से सेक्टर डोमिनेट करेगा? प्राइवेट सेक्टर डोमिनेट करेगा. ठीक है, थर्ड आता है हमारे पास मिक्स्ड इकोनॉमी. मिक्स्ड इकोनॉमी मतलब यहाँ पे मार्केट तो फ्रीली रन कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसको रेगुलेट गवर्नमेंट कर सकती है. अगर उसे लगेगा मार्केट में ऊंच नीच हुई, मार्केट अच्छे से रन नहीं कर रहा है, ज़्यादा प्रॉफिटबाजी चल रही है, लोगों को दिक्कत आ रही है, तो गवर्नमेंट कैन इंटरवीन एंड कैन रेगुलेट. सो इसका मतलब सिंपल सा है, यहाँ प्रॉफिट भी अर्न होगा, यहाँ वेलफेयर भी होगा. और इस मार्केट में कौन सा सेक्टर डोमिनेट करेगा? प्राइवेट सेक्टर भी डोमिनेट करेगा और पब्लिक सेक्टर भी डोमिनेट करेगा. अब फटाफट से ना इस इकोनॉमी के एग्जाम्पल्स देख लेते हैं. जो आपका सोशलिस्ट इकोनॉमी है ये कौन से ऐसे कंट्रीज हैं जो इसको फॉलो करते हैं? चाइना और रशिया. बहुत बढ़िया इनके एग्जाम्पल हैं. ये बिल्कुल सोशलिस्ट इकोनॉमी है, यहाँ पे सरकार चीज़ें चलाती है. वेयर एज ये कैपिटलिस्ट इकोनॉमी जो फ्रीली मार्केट रन कर रहा है, कौन से इस कंट्रीज इसके एग्जाम्पल हैं? USA, UK, फ्रांस, सिंगापुर, ये सारी वो कंट्रीज हैं जो कैपिटलिस्ट हैं और बढ़िया चल रही हैं, प्रॉफिट कमा रही है और उनका प्रॉफिट दिखता भी है. वेयर एज मिक्स्ड इकोनॉमी में कौन सी इकोनॉमी आ जाती है? इंडिया सबसे पहला, भूटान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, ये सारी इकोनॉमीज और कंट्रीज़ ऐसी हैं जो मिक्स्ड इकोनॉमी है, जहाँ सरकार भी इंटरवीन कर रही है और प्राइवेट सेक्टर भी इंटरवीन कर रहा है, और हमें ये पता है. ठीक है, सो आई होप तुम लोगों को ये सारी चीज़ें समझ आई होंगी. इस चैप्टर में अभी मैं बहुत चीज़ें डिस्कस करनी है, बट अभी के लिए मैं इस वीडियो को यहीं तक रखूँगी. आई होप तुमको समझ आया होगा कि कौन सी ऐसी कॉमन प्रॉब्लम्स हैं जो सारी इकोनॉमीज़ फेस कर रही है. सो इस वीडियो को यहीं रखेंगे. इस चैप्टर को मैं कंटिन्यू करूँगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में दूसरे टॉपिक के साथ. टिल देन इफ़ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज़ शो योर सपोर्ट एंड लव एंड आई विल मीट यू इन माय नेक्स्ट वीडियो. बाय बाय.